नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल टूरिज्म एजुकेशन में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं। कितनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो भी पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक होगा एडवेंचर टूरिज्म। हम एडवेंचर टूरिज्म के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन एडवेंचर टूरिज्म को जानने से पहले हमें जानना होगा कि टूरिज्म क्या है, टूरिज्म क्या होता है। आसान शब्दों में बात करें तो टूरिज्म यह होता है कि व्हेन अ पर्सन मूव्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस लाइक बिजनेस, हॉलीडेज, लेजर एंड शॉपिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड स्पेंड मोर देन 24 आवर्स इन दैट प्लेस एंड स्पेंड देयर मनी ऑन द प्रोडक्ट दे यूज इज कॉल्ड टूरिज्म। हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होगा जब कोई एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, उसका कोई भी कारण हो, जैसे कि बिजनेस मीटिंग्स हो सकते हैं, लेजर हो सकता है, शॉपिंग हो सकता है, कोई भी कारण हो, वहाँ पर अपना 24 घंटे से ज़्यादा का समय व्यतीत करता है और अपने पैसे खर्च करता है उन प्रोडक्ट्स पर जिनको वो यूज़ करेगा, हम उसको टूरिज्म बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एडवेंचर टूरिज्म। जैसा कि आपको नाम से पता लग गया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे ही एडवेंचर का नाम सुनते ही हमारे दिल और दिमाग में विजुलाइज होने लगता है कि हाँ, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे खतरनाक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हमारे सामने आने लगती हैं, ट्रैकिंग आने लगती है, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, इन सबको हम विजुलाइज करने लगते हैं कि हाँ, हम ये एडवेंचर टूरिज्म होता है, ये एडवेंचर एक्टिविटीज होते हैं। लेकिन आसान शब्दों में एडवेंचर टूरिज्म होता क्या है? एडवेंचर के नाम में इसका मतलब छपा होता है, छिपा हुआ है, साहसिक पर्यटन, कि जिस कार्य को करने में साहस, हमारे एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो कि हमारी फुल बॉडी को चैलेंज करें, हमारी मेंटली हेल्थ को चैलेंज करें उस सिचुएशन को सर्वाइव करने के लिए। और जहाँ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली हमारा एडवेंचर टूरिज्म में आता है। तो हम बात करेंगे कि भारत में इसका क्या स्कोप है। भारत में इसका स्कोप बहुत बड़ा है। जैसे कि अब हम इसको बोल सकते हैं कि एडवेंचर टूरिज्म भारत में मिडिल स्टेजबल है पर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले के आदमी इतना एडवेंचर टूरिज्म करना पसंद नहीं करते थे। उसका मुख्य कारण ये था कि जो भी मिडिल एजेस के लोग हैं, अबव 40-45, वो लोग सोचते ही थे कि अगर हम ये एक्टिविटीज करेंगे तो अगर हमें शायद कुछ हो गया तो हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, उनको कौन संभाल लेगा वगैरह वगैरह। ये रिस्क फैक्टर में हमेशा इन्वॉल्व रहता था कि अभी भी रहता है, लेकिन हमारी जो यूथ जनरेशन है वो एडवेंचर टूरिज्म को करने में बहुत करना बहुत पसंद करती है। उसका मुख्य कारण यह है कि वो हर जगह हर एक्टिविटीज को नया करना पसंद करें, नई नई मेमोरीज को डालना पसंद करें, एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और वो काम सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म में ही देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा हमें हर बार नया एक्सपीरियंस कहीं नहीं होगा। एडवेंचर टूरिज्म ही एक ऐसा टूरिज्म है जो हम हर जगह हर पल हर जगह कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे और कुछ नई नई नॉलेज को प्राप्त करेंगे। बेसिकली हमारा यह एडवेंचर टूरिज्म होता है। देन हम बात करेंगे कि एडवेंचर टूरिज्म को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, और सॉफ्ट एडवेंचर एंड हार्ड एडवेंचर। आप इनके नाम से पता लग गया कि हमने किस तरह से इन्हें डिवाइड किया है, कि सॉफ्ट एडवेंचर हम उनको बोलते हैं कि इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें जान का खतरा इतना नहीं होता, इसमें हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, हमें बेसिकली छोटी सी गाइडलाइंस की जरूरत होती है, उसके द्वारा हम अपना एडवेंचर सॉफ्ट एडवेंचर को कर सकते हैं। हमारे साथ इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि हमें गाइडलाइंस देते रहते हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन हमें इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। लाइक फिशिंग, फिशिंग एडवेंचर टूरिज्म का एक हिस्सा, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, उसको जान का खतरा नहीं होता। सफारी एंड हाइकिंग को भी हम सॉफ्ट एडवेंचर में गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, उसमें ट्रेनिंग की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती। हम हाइकिंग को बड़े आसानी से तरीके से कर सकते हैं विद अ फ्यू नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स। एंड हार्ड एडवेंचर टूरिज्म, हार्ड के नाम से भी आप जानेंगे कि हार्ड एडवेंचर टूरिज्म क्या होता है। हार्ड एडवेंचर टूरिज्म इज लाइक, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, स्पेसिफिकली 1 or 2 months एंड मिनिमम 20 days। हम बिना ट्रेनिंग के इसमें हार्ड एडवेंचर टूरिज्म नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, हमारी फिजिकल बॉडी स्टेमिना इन्वॉल्व होता है, हमारी मेंटली हेल्थ इन्वॉल्व होती है एंड
जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बिना ट्रेनिंग के हार्ड एडवेंचर एक्टिविटीज को नहीं कर सकते। हम इसमें आ जाएंगे, जैसे कि हम इनमें काउंट कर सकते हैं माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, क्योंकि हम इनको बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के हम इनको नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के करने से हमारी 100% जान जाने का खतरा होता है। बिकॉज ऑफ हमें इनके वेदर का नहीं पता कि ये कैसे होते हैं, कि कैसे काम किया जाता है, हमें कैसे सरवाइव करना है, कैसे इसमें इन्वॉल्व होना है। और बगैर ये चीज़ जाने हमें माउंटेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, इम्पॉसिबल ही हो जाता है। हम बिना ट्रेनिंग के माउंटेनिंग नहीं कर सकते। अभी हमने बात किया एडवेंचर टूरिज्म के बारे में, अपनी लैंग्वेज में हमने समझा कि एडवेंचर टूरिज्म होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, अपनी आसान भाषा में कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन टूरिज्म की भाषा में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? आटा की तरफ से, आटा मीन्स एडवेंचर ट्रैवल एंड ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई, जिसका मतलब है एडवेंचर एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स फिजिकल एक्टिविटी, कल्चरल इमरेशन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म इंक्लूड्स थ्री एलिमेंट्स, फिजिकल एक्टिविटी, कल्चरल इमरेशन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। विदाउट दीज एलिमेंट्स एडवेंचर टूरिज्म इज इम्पॉसिबल। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो एडवेंचर टूरिज्म एक वह गतिविधि है जो शारीरिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नेचुरल एनवायरनमेंट को शामिल करती हैं। हम इनके बिना एडवेंचर टूरिज्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके तीन एलिमेंट होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी होता क्या है? फिजिकल एक्टिविटी होता है जब हम भी कोई कार्य करते हैं, हमारी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो, हम उसको किस तरह से उस काम को करें, किस तरह से हम उसको सर्वाइव करें, जिसमें हमारी बॉडी पूरा हमारा पूरा साथ दे, हम उसको फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। एंड देन हमारा सेकेंड एलिमेंट था कल्चरल इमरेशन। कल्चरल इमरेशन का मतलब होता है जब हम किसी जगह पर जा रहे हैं, हम उसके कल्चर को कैसे अडोप्ट कर रहे हैं, उसके लोगों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसा वहाँ रह रहे हैं, रहन सहन कैसे अडोप्ट कर रहे हैं, सांस्कृतिक का आदान प्रदान, जिससे कि हमारा कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, वो हमारा रहन सहन सीख रहे हैं, हम उनका रहन सहन सीख रहे हैं, हम उसको कल्चरल इमरेशन बोलते हैं। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। विदाउट नेचुरल एनवायरनमेंट एडवेंचर टूरिज्म इज इम्पॉसिबल। बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि पहाड़ हो गए, माउंटेनियरिंग हो गई, स्कीइंग हो गई, एयर बेस्ड एक्टिविटीज हो गई एंड वाटर बेस्ड एक्टिविटीज हो गई, ये सब नेचर का हिस्सा है। विदाउट दिस एडवेंचर टूरिज्म हम नहीं कर सकते। एंड जो हमारी सेकंड डेफिनेशन रहेगी, जो कि हमें इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है, ये बेसिकली सेम डेफिनेशन है, लेकिन इसको कुछ अलग शब्दों में हमें इसको बताया गया। दैट इज एडवेंचर टूरिज्म इज एक्टिव टूरिज्म दैट कंबाइंस एक्सपीरियंस, लोकल इंट्रैक्शन एंड फिजिकल एक्टिविटीज टू एक्सप्लोर, कनेक्ट विद सेल्फ, नेचर एंड कम्युनिटीज। इसका भी यही मतलब, इसका भी सेम मतलब है, जो कि एडवेंचर टूरिज्म एक वह पर्यटक गतिविधि है जो हमें खुद के साथ, नेचर के साथ और लोकल कम्युनिटी के साथ जुड़ने का मौका देती हो और हम नए नए एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने का मौका देती है। एंड जैसे मैंने आप सबको बताया कि इसमें भी वो तीन एलिमेंट्स जो आटा की तरफ से हमें प्रोवाइड कराए गए थे, हमें बताए गए थे कि विदाउट दीज एलिमेंट्स हमारा एडवेंचर टूरिज्म इम्पॉसिबल है। द थ्री एलिमेंट्स आर फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने आप सबको बताया था कि जो जिस काम में हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी बॉडी इन्वॉल्व हो, एक रिस्क फैक्टर हो, हमें काम करने में कैसे बॉडी हमारी रिएक्ट करती है, हम उसे फिजिकल बॉडी कहते हैं। एंड देन इज कल्चर एक्सचेंज, कल्चर इमरेशन। जो भी कल्चर इमरेशन, हम किसी भी जगह पर कहीं भी एडवेंचर टूरिज्म करने जाएं, वहाँ के लोकल कम्युनिटी के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं, वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, वो रहन सहन, हम उनका कल्चर कैसे अडोप्ट करते हैं, इस तरह से हमारा कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा है, वो हमारे रहन सहन को सीख रहे हैं, हम उनके रहन सहन को सीख रहे हैं। एंड देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। विदाउट नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा एडवेंचर टूरिज्म इम्पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ जो हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट के बिना नहीं हो सकती। हम आगे बात करेंगे
टूरिस्ट बिहेवियर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, टूरिस्ट बिहेवियर मोस्टली डिपेंड होता है, टूरिस्ट बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक एंड द बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ टूरिस्ट बिहेवियर। बेसिकली टूरिस्ट पर डिपेंड होता है कि इसको कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वाकई में मिडिल एज के लोग अबव 40-45 एडवेंचर टूरिज्म करना पसंद नहीं करते, इसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया था कि उनकी फैमिली होती है, अगर बाई चांस उनका रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, उनको बाई चांस कुछ हो गया तो उनका उनकी फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, स्पेशली यूरोपियन कंट्री भारत में स्पेशली एडवेंचर टूरिज्म को करने के लिए आते हैं। यूरोपियन कंट्रीज लाइक इटली, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस कंट्री इज पीपल कमिंग टू द इंडिया फॉर डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज। एंड हम इसी बात से पता लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में एडवेंचर टूरिज्म ऑफ इंडिया कितना ग्रो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एडवेंचर टूरिज्म को कराने के लिए अगर हमारी यूथ है, लेकिन अभी अर्लियर रिसेंटली हमारे टूर्स जाने लगे हैं, लेकिन वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए जाने लगे, जिनमें कोई रिस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि हमारी कैंपिंग हो गई एंड मोस्टली छोटे छोटे ट्रैक्स पे ट्रैकिंग हो गई, जिसमें कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो सिर्फ एजुकेशनल टूर्स होते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि भारत के लोगों में कितनी इनसिक्योरिटीज है एडवेंचर टूरिज्म को लेकर। लेकिन अब स्थिति बदल रही है, हमारी यूथ एडवेंचर टूरिज्म को करना पसंद कर रही है बिना, और वो नई नई प्लेसेस पे नए नए एक्सपीरियंस लेना पसंद कर रही है, क्योंकि उनसे नई नो ज़्यादा नॉलेज गेन होती है। हमारे 2025 में हमारी मोस्टली 60-70% यूथ एडवेंचर टूरिज्म को करना पसंद करेगी, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ ATOAI के अनुसार। आज का हमारा टॉपिक होगा एडवेंचर टूरिज्म। जैसा कि आपको नाम से पता लग गया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने जा रहे हैं, वैसे ही एडवेंचर का नाम सुनते ही हमारे दिल और दिमाग में विजुलाइज होने लगता है कि हाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे खतरनाक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हमारे सामने आने लगती हैं, ट्रैकिंग आने लगती है, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, इन सब को हम विजुलाइज करने लगते हैं कि हाँ हम ये एडवेंचर टूरिज्म होता है, ये एडवेंचर एक्टिविटीज होती है। लेकिन आसान शब्दों में एडवेंचर टूरिज्म होता क्या है? एडवेंचर के नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है साहसिक पर्यटन, कि जिस कार्य को करने में साहस हमारे एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारी फुल बॉडी को चैलेंज करें, हमारी मेंटली हेल्थ को चैलेंज करें उस सिचुएशन को सर्वाइव करने के लिए, और जहाँ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली हमारा एडवेंचर टूरिज्म में आता है। तो हम बात करेंगे कि भारत में इसका क्या स्कोप है। भारत में इसका स्कोप बहुत बड़ा है, जैसे कि अब हम इसको बोल सकते हैं कि एडवेंचर टूरिज्म भारत में मिडिल स्टेजबल है पर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले के आदमी इतना एडवेंचर टूरिज्म करना पसंद नहीं करते थे, उसका मुख्य कारण ये था कि जो भी मिडिल एजेस के लोग हैं अबव 40-45, वो लोग सोचते ही थे कि अगर हम ये एक्टिविटीज करेंगे तो अगर हमें शायद कुछ हो गया तो हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, उनको कौन संभाल लेगा वगैरह वगैरह, ये रिस्क फैक्टर में हमेशा इन्वॉल्व रहता था कि अभी भी रहता है। लेकिन हमारी जो यूथ जनरेशन है वो एडवेंचर टूरिज्म को करना बहुत पसंद करती है। उसका मुख्य कारण यह है कि वो हर जगह हर एक्टिविटीज को नया करना पसंद करें, नई नई मेमोरीज को डालना पसंद करें, एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और वो काम सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म में ही देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा हमें हर बार नया एक्सपीरियंस कहीं नहीं होगा। एडवेंचर टूरिज्म ही एक ऐसा टूरिज्म है जो हम हर जगह हर पल हर जगह कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे और कुछ नई नई नॉलेज को प्राप्त करेंगे। बेसिकली हमारा यह एडवेंचर टूरिज्म होता है। एंड देन वी कैन टॉक अबाउट अ न्यू ट्रेंड एंड एडवेंचर टूरिज्म। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है अभी एडवेंचर टूरिज्म का, जिसकी हम मैन मेड एडवेंचर एक्टिविटीज कहते हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग हो गई, जिसको ज़्यादा खतरा पसंद नहीं हो, जिसको ज़्यादा रिस्क फैक्टर लेना पसंद नहीं हो और वो एडवेंचर टूरिज्म का मजा लेना चाहता है, तो वो मैन मेड एक्टिविटीज कर सकता है। जैसे कि अभी मोस्टली जो भारत के बड़े बड़े शहर में उनको उनमें रॉक क्लाइंबिंग को ऐसे बनाया गया है कि आप उनमें एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं बिना किसी रिस्क फैक्टर के। आपके साथ प्रॉपर गाइड होगा, प्रॉपर एक्सपर्ट होगा, उसकी देखरेख में आप ये एक्टिविटीज करेंगे, उससे आपको कोई खतरा नहीं होगा। एंड देन बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भारत में बनाई गई हैं, जैसे कि स्कीइंग हो गई,
आर्टिफिशियल एडवेंचर टूरिज्म का यही फायदा कि हम इसमें कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, हमें इसमें कोई जान का खतरा जोखिम नहीं होता, और हम इसे बड़े बड़े बात के शहरों में हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग को हम नेचुरली रॉक क्लाइंब को हम रात में नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स रिस्क फैक्टर, कभी भी रॉक गिर सकती है। एंड आर्टिफिशियल का ये फायदा हम इसको रात में भी कर सकते हैं, हम इसको 12 मंथ कर सकते हैं अगर वेदर खराब ना हो तो, हम इसको कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। अभी प्रॉपर फिलहाल ये भारत में किसी मेन मेन शहरों में उपलब्ध है, जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु एंड मनी मोर पोस्ट सिटी इन इंडिया। हम बात करेंगे अभी हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री ये कैसे शुरू हुआ, कि कैसे इसको बढ़ावा मिला और ये कैसे इतना लोकप्रिय हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी हिस्ट्री है ये उसी से जुड़ा हुआ, लेकिन हम इसकी शुरुआत मानते हैं 15th सेंचुरी में, जैसे कि मार्को पोलो एंड सर एंड्रेस्ट स्केल्टन और जेम्स कुक की वजह से हम इसकी शुरुआत मानते हैं, क्योंकि उनके कुछ कॉलोनियल रीजन थे, उनको कुछ ढूंढना था तो अपने सफर पर निकल पड़े, जो उन्होंने अपने यात्रा में कुछ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व किए, जो उन्होंने कठिनाइयां महसूस की, तो हम उसको एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत मानते हैं। इसको बेसिकली एडवेंचर टूरिज्म को पुश 18th मिड 18th सेंचुरी में मिला। जैसे कि हम सब जानते हैं 1850 में सर एडमंड हिलारी ने अन्नपूर्णा पर्वत की चढ़ाई की थी, इसी वजह से इनको ऑल ओवर द मीडिया में तारीफ मिली, इसी से लोगों को बढ़ावा मिला, उनको करने की जागरूक इच्छा हुई। एंड 1865 में रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा मिला। रिवर राफ्टिंग, जैसे कि हम देख सकते हैं कि रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा मिलते हैं एकदम एडवेंचर टूरिज्म ने उछाल ले लिया। हम इसी बात से इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ने कंबाइंड 219 बिलियन डॉलर का एडवेंचर टूरिज्म पे, सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म पे स्पेंड किए हैं, एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एंड आगे उसको पुश करने के लिए। हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एडवेंचर टूरिज्म हमारा कितना बड़ा और बिगर होता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हाउ कैन वी प्रमोट एट इट इंटरनेशनल लेवल एंड डोमेस्टिक लेवल, बिकॉज हमें सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करने से पहले हमें डोमेस्टिक में प्रमोट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका मुख्य कारण फैमिली होते हैं, एंड सेकेंड मेन रीजन इसका प्राइस टैग होता है, कि जब भी कोई आम आदमी इसको करने की सोचे तो, लेकिन उसका जो एडवेंचर टूरिज्म का पैकेज ही होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, हम उसको परचेज नहीं कर सकते, उसको सिर्फ अमीर लोग ही परचेज कर सकते हैं। हमें इस कारण को देखते हुए हमें इसके जो कंपनियां हैं उनको एडवेंचर टूरिज्म का प्राइस टैग बहुत रिजनेबल रखना होगा, जिससे कि हम आम आदमी भी इसको करने में दिलचस्पी ले सकें, उसको करें, जिससे कि हमारा रिवेन्यू और ज़्यादा गेन होगा, हम इसको और ज़्यादा प्रमोट कर सकेंगे। एट इंटरनेशनल लेवल वी कैन स्टार्ट अ कैंपेन फॉर द एडवेंचर टूरिज्म, जिससे कि और ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन हो, हमें और ज़्यादा एडवेंचर टूरिज्म में टूरिस्ट को आने देखने का मौका मिले। जैसे कि हमने इनक्रेडिबल इंडिया को शुरू किया था, उससे ही हमारे भारत में टूरिस्ट का आना जाना शुरू हुआ था। उससे पहले हमारी टूरिज्म से रिलेटेड इतनी ज़्यादा अच्छी हालात नहीं थे, लेकिन जब 2002 के बाद अमिताभ कांत ने इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन शुरू किया, उसके बाद हमें टूरिस्ट का उछाल देखने को मिला, एंड अभी भी हम ओवर द ईयर्स ग्रो कर ही रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, एक सर्वे के अनुसार जो सबसे ज़्यादा नाइट्स बिताने वाला देश, जो टूरिस्ट हमारे देश में सबसे ज़्यादा नाइट बिता, एवरेज नाइट 30 डेज स्पेंड करते हैं, इससे ज़्यादा नाइट स्पेंड वो किसी देश में नहीं करते, कोई भी टूरिस्ट हो कहीं भी चला जाए, इससे ज़्यादा नाइट स्पेंड वो नहीं करते। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टूरिज्म में हमारा कितना बड़ा रोल है। इसी तरह से हम एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं, एंड प्रॉपर पैकेजेस पे, प्रॉपर प्राइस टैग पे हम इनको रीजनेबल भाव पर रखकर इनको बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि हमारा एडवेंचर टूरिज्म और बढ़े और प्रमोट हो, एंड देन वी कैन स्टार्ट अ कैंपिंग लाइक यू कैन सजेस्ट अ नेम इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट कैंपेन वी विल स्टार्ट इन द फ्यूचर फॉर द एडवेंचर टूरिज्म। थैंक यू।